राष्ट्रीय पोषण अभियान अंतर्गत पोषण माह 2024 का आयोजन किया जा रहा है और पोषण माह 2024 के अंतर्गत जो गतिविधियां पूरे एक माह से की जा रही है उसके अंतर्गत एक स्ट्रेटजी तैयार की जाती है और उसी को धरातल पर लागू किया जाता है तो राष्ट्रीय पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है उसकी स्ट्रेटजी क्या है ये सारी बातें हम लोग जानेंगे जिला समन्वयक पोषण अभियान सिद्धार्थ सर से सिद्धार्थ सर मेरे साथ आज जुड़े हैं सिद्धार्थ सर आपका स्वागत है मेरे चैनल कब तक इन्फो में और पोषण राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसकी स्ट्रेटजी क्या है पोषण अभियान आखिर लाने का कारण क्या रहा इन सारी बातों को हम आज आपसे जानेंगे कि राष्ट्रीय पोषण अभियान का मूल उद्देश्य क्या है सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आप पोषण माह हमें इस कार्यक्रम को जनता तक के लिए इंटरव्यू के लिए आए हैं और ये पोषण माह का उद्देश्य तो पोषण को दूर करना इसमें हम लोग विभिन्न भी प्रकार के गतिविधियों के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूक हो सके अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें साफ़ सफाई स्वच्छता इन सभी पर जब ध्यान रखेंगे तो वो कुपोषण तो मुक्त हमारा सारण और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कब हुई पोषण माह की शुरुआत 8 मार्च 2018 को स्थान के झुंझुंझुनू में इसकी शुभारंभ हुई थी और उस समय से ये लगातार मनाया जा रहा है अभी ये वर्तमान में सातवां पोषण माह मनाया जा रहा है अच्छा जो आई है आपका एस बृहद पैमाने पर इसमें वर्कर होते हैं बृहद पैमाने पर सेविका सहायिका होती हैं और उसको इसके स्ट्रेटजी इसका जो थीम होता है इसका जो गतिविधि होती है उसको लागू कराने के लिए आपके पास कौन सी नीति रहती है इसमें निदेशालय द्वारा और कैलेंडर जारी होता है उस कैलेंडर के अनुसार तिथि वाइज सप्ताह वाइज गतिविधियाँ प्लान करके दी जाती है उसको हम लोग धरातल स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र स्थल पर सेविका और सहायिका के माध्यम से उसमें अन्य विभाग के लोग भी शामिल होते हैं जैसे जीविका हो गई स्वास्थ्य विभाग के लोग हो गए पंच पंचा, पंचायत पंचायत विभाग के हो गए इन सभी लोगों के सहयोग से गतिविधियाँ आयोजित करके जन जागरूक लोगों को किया जाता है इसको जब से लागू किया गया आई में यानी कि 2018 के पहले और 2018 के बाद आज 2024 में हम लोग आ गए हैं तो 2024 में इससे क्या फ़ायदा हुआ इसमें देखिए अभी वर्तमान में स्टंटिंग का जो प्रतिशत है बिहार के वो पहले दो अधिक थी एन एच एस फोर में एन एच एस फाइव में वनापन उनकी स्थिति दो प्रतिशत कम हुई है वैसे ही एनीमिया में अभी सत्तर परसेंट लगभग भा पूरे भारत में लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कम किया जाए फोर्टी फाइव चावल भी दिया जाता है सेविकाओं को कि अपने लाभुकों को दे जिसके माध्यम से कुपोषण दूर हो कुपोषण जो होता है कुपोषण के सुधार करने के लिए जो मूल प्रयास है वो मूल प्रयास किस स्तर पर किया जा रहा है मूल प्रयास तो जन जागरूकता है व्यवहार परिवर्तन है और इसमें स्वच्छता साफ़ सफाई पर ध्यान दें खान पान पर ध्यान दें पौष्टिक आहार लें और ये सभी के लिए जरूरी है जब तक वो पौष्टिक आहार नहीं लेंगे अपने डाइट में सुधार नहीं करेंगे तब तक कुपोषण को दूर नहीं किया जाता है और उसमें सबसे अहम है स्वच्छता साफ़ सफाई और व्यवहार इस बार का जो राष्ट्रीय पोषण अभियान आयोजन किया जा रहा है उस राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत कितने प्रकार की थीम का आयोजन करना है और उसकी थीम के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियाँ का आयोजन करना। हाँ इसमें आठ प्रकार के थीम इस बार दिए गए हैं जिसमें एनीमिया है एनीमिया कैंप का आयोजन किया गया समुदाय आधारित विभिन्न भी प्रकार के गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें अन्नप्राशन गोद भराई जो हमारे प्रति माह किया जाता है लेकिन पोषण माह में विशेष प्रकार का अन्नप्राशन किया जाता है जिसमें पुरुष की सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाता है इसमें जो पोषण माह अभी अंतिम चरण पर एक सबसे बड़ी अच्छी मुद्दा है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान जो पिछले दो साल से हम देख रहे हैं जो दो साल से हमको संज्ञान है कि सेविकाओं सहायिकाओं को जो उत्कृष्ट कार्य करती हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है राशि से तो क्या इस बार भी सम्मानित किया जाएगा और उसका जो कोरम होता है क्राइटेरिया होती है जिसमें माप निकलता है कि किस हद तक सेविका कौन कौन से कार्य दायित्व की है तब उसके मानक पर उतरती हैं तब उसको दिया जाता है तो क्या इस बार भी मानक रखा गया इस बार भी प्रोत्साहन राशि के लिए कोई ऐसा स्ट्रेटजी है विभाग द्वारा पत्र प्राप्त होता है हम लोगों को और उस विभाग में गाइडलाइन दिया हुआ है जिसमें पोषण ट्रैकर पे पर जो सेविका अच्छा कार्य कर रही हैं आंगनबाड़ी स्वच्छता साफ़ सफाई पोषण माह में जो गतिविधियाँ आयोजित की हैं इन सभी कैटेरिया का देखते हुए हम लोग चयन करते हैं परियोजना स्तर से रिपोर्ट मंगाते हैं जिला स्तर पे उसको देखते हैं फिल्टर करते हैं और जो जिला स्तर पे चयन किया जाता है उसको हम लोग भेजते हैं कि अगर राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत आप पोषण माह आयोजित करें इसका पोषण पखवाड़ा भी आयोजित होता है तो अगर आप इसका प्रोत्साहन लेना चाहती हैं तो आपको कुल मिला के काम जो करना होगा वो पोषण ट्रैकर पर ही काम ट्रैकर सबसे महत्वपूर्ण है इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो रहा है सेविका जो भी काम करती हैं हर एक स्तर पे जैसा कि परियोजना स्तर परियोजना स्तर पे महिला परियोचिका और प्रखंड संरक्षण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा इसकी निगरानी होती है और जिला पे और आगे निदेशालय स्तर पर भी इसकी मॉनिटरिंग होती है निदेशालय से आगे भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है भारत सरकार द्वारा भी प्रत्येक सेंटर का मॉनिटरिंग किया जा रहा है प्रत्येक परियोजना का क्या स्थिति है प्रत्येक जिला की क्या स्थिति है रैंकिंग है ये पोषण ट्रैकर पर देखा जा रहा ये है एक अच्छी बात है कि बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार तक आईसीडीएस पर सेविकाओं द्वारा किए गए कार्यदायित्व का, का मूल्यांकन किया जाता है अंत में सर ये हम जानना चाहेंगे कि जो सेविका सहायिका आपके धरातल स्तर पर गतिविधियों का आयोजन करती है आप लोग के द्वारा जो आपका विभाग निर्धारित करता है गतिविधि निर्धारित करता है उनके द्वारा धरातल स्तर पर की भी जाती है बहुत सारे वीडियो और फोटो भी हमने देखा कि सेविकाओं द्वारा आयोजित किया था तो सेविकाओं के लिए एक कोई ऐसा संदेश दिया जाए जिससे सेविका इससे गौरवान्वित हो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और जन समुदाय को भी कैसे भागीदारी तय करे कि जन समुदाय भी इसमें आए क्योंकि इसका एक नारा भी है कि जन को इस तरह से इसमें शामिल करना है कि जन आंदोलन बन जाए सबसे पहले तो इसमें सेविका सहायिका दोनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनके माध्यम से ही आई और अन्य विभाग द्वारा भी कुछ कार्य दिए जाते हैं उसको वो बखूबी रूप से अपना निर्वहन नहीं है वो और इसमें मुख्य संदेश है कि अपने पोषक क्षेत्र में जितने भी लाभुक हैं और और आम जनता है, उनको क्या करें वो जागरूक करें कुपोषण के प्रति अच्छे स्वच्छता साफ सफाई अच्छे से पौष्टिक आहार लें और बहुत इस बार बच्चे जो हैं फास्ट फूड पे अधिक ध्यान देते हैं तो फास्ट फूड पर न देकर घर का बना हुआ भोजन जो फल है सब्जियां हैं जो सीजनल फल मिलते हैं उसका उपयोग करें इससे आसानी से कुपोषण को दूर किया जाए बाद है। मेरे चैनल पर समय देने के लिए उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो सर ने जो संदेश दिया उसका पालन आप लोग करेंगी और धरातल स्तर पर आप लोग का भी प्रयास सराहनीय रहा है मैंने कई वीडियो कई फोटो देखे हैं कि आप लोग धरातल स्तर पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और आई को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं समाज में सुधार का प्रयास कर रही हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए चैनल पर पलियर वीडियो सब्सक्राइब कर दिए मिलते हैं फिर कोई नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ